Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam की preparations भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके. जी हाँ friends, बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं. सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. देखिए SSC की तरफ से MTS के बम्पर पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है. पहले से ही आपको मैं इन्फॉर्म कर रही थी. देखिए टोटल पोस्ट जो रहेगा ना 8326, मतलब कि आपका ये बढ़ा के 9 से 10 हज़ार भी हो सकता है. फिलहाल अभी ये 8326 पोस्ट है. दो तरह के पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगे, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार का. दोनों ही पोस्ट के लिए अच्छी तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. MTS के लिए जो आपकी सीट है 4887, मतलब कि 4887 पोस्ट MTS के लिए है. हवलदार के लिए 3439, 3439 सीट है. ये फ्रेंड्स देखिए ग्रुप सी की पोस्ट होती है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं इसका और मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना कि सिलेबस क्या है, तो सारा कुछ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए. चलिए अब फिलहाल बम्पर सीट आई है तो उसकी सारी जानकारी आपको बता देती हूँ. अप्लाई करने की जो तिथि रहेगी 27 जून से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है. लास्ट डेट 27 जुलाई, मतलब 27 जून से 27 जुलाई है. 27 जुलाई तक इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा. बाद में क्या होता है ना कि सर्वर इशू हो जाता है गैदरिंग की वजह से. और हाँ, अगर आपने SSC के नए वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले न्यू वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं फॉर्म की फी क्या है. जनरल OBC EWS से 100 रुपीज़, यानी 100 रुपया लिया जाएगा. फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ SC ST कैंडिडेट से कोई फी यहां पर नहीं लिया जाएगा. अब आपको बता दूं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट कि आपका एग्ज़ाम कब होगा. देखिए साथ के साथ ही आपका एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया है. अक्टूबर नवंबर में आपका ये पेपर होने वाला है, तो तैयारी बहुत अच्छे से करिए. इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाला है. आई नो कि 8300 सीट है पर बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे होंगे, तो आपको अपना एक सीट अचीव करना है. तो प्रीवियस ईयर का सेट लगाना होगा, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि सिलेबस में आप कहाँ पर सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, कितना छूटा हुआ है. फिर मॉडल पेपर बनाइए. हाइएस्ट स्कोर अगर आप मॉडल पेपर में बना पाते तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा. चलिए फिलहाल देखिए एज की लिमिट क्या होगी. दो तरह के पोस्ट है तो एज लिमिट भी दो तरह का रहेगा. एज ऑन आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार एज कैलकुलेट किया जाएगा. 18 वर्ष से 25 या 27 दोनों पोस्ट के लिए. देखिए MTS के लिए रहेगा 18 से 25 वर्ष, हवलदार के लिए 18 से 27 वर्ष. साथ के साथ नोटिफिकेशन में क्लियरली डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया गया है. इस बार देखिए MTS के लिए बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1999 टू 1 अगस्त 2006, मतलब कि 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का बर्थ हुआ है वो सब MTS के लिए एलिजिबल रहेंगे. बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1997 टू 1 अगस्त 2006, मतलब कि 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ वो सब हवलदार की पोस्ट के लिए. देखिए ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे. जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपसे पोस्ट प्रीफ्रेंस मांगा जाएगा, तो वो कोड भरना होता है. तो अगर आप इलिजिबल है तो दोनों पोस्ट के लिए भरिए, अगर नहीं इलिजिबल है, आपका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो आप सिर्फ हवलदार का भी अप्लाई कर सकते हैं. आई होप समझ गए होंगे. अब रिलैक्सेशन की बात करूं तो OBC को 3 इयर्स का और SC ST का 5 इयर्स को जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा. क्वालिफिकेशन तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है, 10th पास आउट है, सभी इलिजिबल है. कोई परसेंटेज का इसमें इशू नहीं, बस पास आउट होना चाहिए. अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस. तो दो तरह के पोस्ट है, दोनों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ. पहले बात करें MTS की पोस्ट के लिए,
इसका सिलेक्शन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें जो स्कोर किया उसके बेसिस पे होगा। उसके बाद सिंपल सा आपने जो मतलब आपने फॉर्म अप्लाई किया उस समय जो सब अपना डिटेल फिल किया था उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। फिर आपका जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए चार स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले स्टेज पर ऑनलाइन CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्टली आपका सिंपल सा मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाएगी। और दोनों जो पोस्ट है ना उसके लिए जो एग्जाम होगा वो सेम ही एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अभी एग्जाम की जो डिटेल्स है वो शेयर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम आपका दो सेशन में होता है, दोनों सेशन को कंबाइन करके 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे का एग्जाम होता है। सेशन वन जो कि क्वालिफाइंग होता है 45 मिनट के लिए होता है, 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 120 नंबर, मतलब 40 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स, पर क्वेश्चन मिलते हैं 3 मार्क्स। और सेशन वन में आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सब्जेक्ट वाइज बात करें, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है ना वो इसमें देखा जाता है कि कम से कम आप कितना स्कोर करेंगे मैथ और रीजनिंग में, तब जाके सेशन टू का आपका नंबर ऐड होगा। अगर इसमें आप पास नहीं हो पाए मिनिमम का जो नंबर लाना है क्वालिफाई, तो आपका इसका भी इस पोर्शन का भी नंबर आपका ऐड नहीं होगा, आप सीधे वहाँ पर फेल हो जाएंगे। देखिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% है, और OBC EWS के लिए 25%, और अदर कोई भी कैटेगरी के लिए 20% कम से कम आपको इसमें स्कोर करना ही है। सेशन टू की अगर बात करें तो ये भी 45 मिनट का होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसके मार्क्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। 50 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स यहाँ भी रहेगा, और 45 मिनट का समय है, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस मतलब कि GK GS साइंस करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 75 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल आपने देख लिया सेशन वन सेशन टू दोनों में आपका जो मार्क्स होगा उसके आधार पर आपका क्या होगा MTS के लिए सिलेक्शन होगा। सिर्फ DV होगा उसके बाद तो सिलेक्शन हो ही जाता है, लेकिन हवलदार की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो सेम ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में फ्रेंड्स आपका सबसे पहले हाइट मेजर होता है, मेल कैंडिडेट के लिए है 157 सेंटीमीटर, ST कैटेगरी वालों के लिए 152.5 सेंटीमीटर ही है, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, ST कैटेगरी वालों के लिए 149.5 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट की मेजरमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए 81-86 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है। उसके बाद वेट मेजर किया जाता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स का, कम से कम आपका वजन 48 यानी 48 केजी होना चाहिए, ST कैटेगरी वालों के लिए 46 केजी रहेगा। उसके बाद आपका PET होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें वॉकिंग होती है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की वॉकिंग मेल कैंडिडेट के लिए है 15 मिनट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की वॉकिंग है जो कि 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। तो ये है ओवरऑल आपका फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें आपको पास होने के बाद हवलदार की पोस्ट के लिए क्या होगा DV होगा और मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब रही बात की जॉब की लोकेशन क्या होगी, आपसे देखिए ऑल ओवर इंडिया के लिए तो वैकेंसी आई है, लेकिन आपसे प्रीफरेंस पूछा जाता है जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे आप, अगर वहां का कट ऑफ क्रॉस कर लिया तब आपका सिलेक्शन होगा। वैसे इसका जो जॉब होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में होता है। रही बात एग्जाम सेंटर की, तो जब फॉर्म फिल करोगे तो आपसे नियर बाय 3 सिटी पूछा जाएगा, तो वहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब जब आप ज्वाइन करेंगे तो सैलरी क्या मिलती है, देखिए 34,000 से स्टार्ट होती है, मतलब 30,000 से 35,000 के बीच में आपको शुरुआत में सैलरी दी जाती है, बाद में सैलरी बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ प्रमोशन होता है जिसके थ्रू आप LDC UDC आगे और भी बढ़ सकते हैं।
अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सीट भी अच्छी खासी आई है, तो तैयारी की स्पीड को कर लो आप बूस्ट और एक सीट अपनी अचीव कर लो। आई होप इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे अपलोडेड है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।